नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। किसान आंदोलन के चलते 11 महीनों से बंद गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर को आखिरकार दिल्ली पुलिस ने खोल दिया है। आपको बॉर्डर खोलने की दो तस्वीरें यहां पर हम दिखाते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर बॉर्डर खोला गया है। ये गाजीपुर बॉर्डर है और दूसरा टीकरी बॉर्डर है, जहां पर बैरिकेडिंग सटा दिए गए हैं। उस बॉर्डर को खोल दिया गया है तो आमजन को भी राहत काफी यहाँ पर मिली और पूरे 11 महीने के बाद बॉर्डर्स को यहाँ पर खोला गया है। तो आज 11 महीने के बाद बॉर्डर्स को यहाँ पर खोल दिया गया है। आम जनता को काफी इससे राहत यहाँ पर मिली है। बता दें कि 11 महीने से आम जन काफी परेशान यहाँ पर था, क्योंकि तमाम रास्ते यहाँ पर बंद थे और पहले खबरें आ रही थी कि बॉर्डर पर एक एक लेन को खोला जाएगा, लेकिन अब इसे पूरी तरह से खोल दिया गया है। बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने रास्ता खोलने को लेकर कहा कि रास्ता खोलेगा तो हम दिल्ली की तरफ जाएंगे। पहले वो ये भी कह रहे थे कि रास्ता उन्होंने नहीं बंद किया हुआ है। तो टीकरी बॉर्डर को आखिरकार खोल दिया है, इसको लेकर हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। टीकरी बॉर्डर से इस वक्त सीधे आपकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पुलिस की टीम द्वारा रास्ते को साफ किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा दे टीकरी बॉर्डर से, जहां जेसीबी की सहायता से जो रोड पे ब्लॉकेज लगाए गए थे उन्हें अभी के समय हटाया जा रहा है, ताकि एक तरफ के रास्ते को खोला जा सके। कोर्ट के आदेश के बाद जो किसानों ने है उन्होंने भी कोर्ट में कहा था कि हमारी तरफ से रास्ते को बंद नहीं किया गया है, जिसके बाद जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो अभी के समय टीकरी बॉर्डर पर एक तरफ के रास्ते को खोलने के लिए जो ब्लॉकेज लगाए गए थे पहले उन्हें हटा रही है। आपको बता दें कि 26 जनवरी के बाद हुई हिंसा के बाद टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए थे, रोड पे ब्लॉकेज लगाए गए थे और अब धीरे धीरे उन्हें अभी के समय यहाँ से हटाया जा रहा है। दिखा रहे हैं आपको जेसीबी मशीन की सहायता से जो ब्लॉकेज थे जिन्हें टुकड़ों में तोड़ दिया गया है, अभी के समय उन्हें से हटाया जा रहा है। और दूसरी तरफ की भी आपको हम जो तस्वीर है वो दिखा दे कि ये जो मेन ब्लॉकेज है जिसके बाद किसानों का मन शुरू होता है उसे भी हटाने की योजना है। इसके लिए पहले किसानों से बात की जाएगी, उनकी संस्तुति ली जाएगी। किसानों से बात करने के बाद जो ये ब्लॉकेज आपको हम दिखा रहे हैं टीकरी बॉर्डर पे, इसे भी हटाया जाएगा। फिलहाल अभी के समय जो पुलिस की तरफ से बैरिकेड लगाए गए थे उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया गया। आपको दिखा दे कि देर रात से यहाँ अभियान चलाया जा रहा है, जो जितने ब्लॉकेज हैं बनाए गए हैं उन्हें तोड़ने के लिए जेसीबी की सहायता से उन्हें तोड़ा जा रहा है, अभी हटाया जा रहा है। और जो सामने आपको जो ब्लॉकेज दिख रहा है ये टीकरी बॉर्डर का ब्लॉकेज है, इसे किसानों की सहमति से के बाद हटाया जाएगा। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो किसानों से बात करेंगे, उसके बाद एक तरफ की लेन को खोला जाएगा। उससे पहले जो दिल्ली पुलिस है वो अपनी तैयारी पूरी करनी चाहती है और पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को अभी के समय टीकरी बॉर्डर से हटाया जा रहा है। तस्वीरें आपको हम टीकरी बॉर्डर से दिखा रहे हैं कि जो जेसीबी की सहायता से आप देख सकते हैं जो टीकरी बॉर्डर पर अभी के समय जो तमाम ब्लॉकेज थे, बड़े बड़े पत्थरों के बोल्डर थे, उन्हें हटाया जा रहा है और ट्रकों के माध्यम से उन्हें यहां से भेजा जा रहा है, ताकि जो एक तरफ का रास्ता है वो पूरी तरह खोला जा सके। आप देख सकते हैं जो लेबर हैं, जो मजदूर हैं, वो यहाँ जेसीबी हटा रहे हैं। जेसीबी से जो बड़े बड़े बोल्डर हैं, पत्थर हैं, उन्हें ट्रकों में भरा जा रहा है, ताकि एक तरफ का रास्ता खोला जा सके। क्योंकि कोर्ट में ये मामला चला गया था, किसानों की तरफ से कोर्ट में ये दलील दी गई थी कि जो रास्ता है वो पुलिस ने बंद किया है, किसानों ने ही किया है, जिसके बाद जो पुलिस है वो अभी के समय टीकरी बॉर्डर पर रास्ते को क्लियर कर रही है। और किसानों की सहमति मिलने के बाद जो दूसरे तरफ का जो ब्लॉकेज है उसे भी खोलने की योजना पुलिस बना रही है। जर्नलिस्ट अंकित के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो पुलिस बैरिकेड हटने के बाद गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर कैसी है, जायजा लिया हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने। गाजीपुर बॉर्डर से आज दिल्ली पुलिस द्वारा बैरिकेड हटाने की खबर आई। हम मौके पर पहुंचे और हमने आपको तस्वीरों में दिखाया कि बैरिकेड जो है नेशनल हाईवे 9 गाजीपुर बॉर्डर से हटाए जा रहे हैं। उसके लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया, उसके लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया और तमाम दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहां पर मौजूद रहे, जिनकी निगरानी में ही हुआ। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या गाजीपुर बॉर्डर खाली हो रहा है, क्या आवाजाही अब आसान हो जाएगी, क्या आप नेशनल हाईवे 9 का इस्तेमाल करके यूपी से दिल्ली की तरफ जा पाएंगे। तो इन सभी सवालों का हम आपको जवाब दे देते हैं। ये जो हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं ये नेशनल हाईवे 9 का हिस्सा है, यानी ऊपरी हिस्सा है, लेकिन नीचे के हिस्से पर अभी यथा स्थिति बनी हुई है। वो मैं आपको नीचे दिखा देता हूं। नेशनल हाईवे 9 से नीचे देखिए आप, जो ये रास्ता है यहां से दिल्ली पुलिस ने अभी बैरिकेड नहीं हटाया है। और इससे अगर हम आपको थोड़ा सा दूर तक का नजारा दिखाने की कोशिश करें तो आपको नजर आएगा कि किसानों के जो टेंट हैं, ये जो झोपड़ी नुमा इन्होंने टेंट लगाए हुए हैं, वो दूर तक आपको नजर आएंगे। ना सिर्फ ये निचले हिस्से पर हैं, बल्कि ये उच्च उस ऊपरी हिस्से पर भी हैं जो नेशनल हाईवे 9 है, यानी जिस
लेन में ये बैरिकेड हट रहे हैं, उसी लेन में आपको दूर अगर नजर आएगा तो वहां पर आपको मंच भी नजर आएगा किसानों का, जो नेशनल हाईवे 9 के बीचों बीच है। यानी ना तो नीचे से अभी किसानों के टेंट हटे हैं और ना ही ऊपरी हिस्से से हटे हैं। तो इसका जवाब बिल्कुल क्लियर है कि अगर ये बैरिकेड हट भी गए हैं तो किसान अभी यहां पर मौजूद हैं और अभी आवाजाही सुचारू हो पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन हमने इस सवाल को लेकर राकेश टिकैत से बात की। राकेश टिकैत ने कहा कि बैरिकेड अगर हट जाते हैं नेशनल हाईवे 9 पर से तो हम यहां से दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएंगे। अब इसके बाद सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर दिल्ली की तरफ किसान रवाना होते हैं तो 26 जनवरी जैसा कहीं माहौल ना बन जाए, कहीं दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो ना बिगड़ जाए। तो हमने इस सवाल के जवाब में जब राकेश टिकैत से पूछा तो राकेश टिकैत ने कहा कि हम तो दिल्ली जाएंगे लेकिन फिलहाल वो नेशनल हाईवे 9 पर हैं। आपको बहुत हद तक जवाब मिल गया होगा कि अभी नेशनल हाईवे 9 से आवाजाही आसान नहीं हो पाएगी, सिर्फ दिल्ली पुलिस के बैरिकेड हटाए गए हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस पर यह आरोप राकेश टिकैत ने लगाया था कि रास्ता राकेश टिकैत या किसानों ने नहीं रोका बल्कि बैरिकेड जो है दिल्ली पुलिस ने लगाए हैं। 7 दिसंबर को देश की सर्वोच्च अदालत में मामले की सुनवाई होनी है, दोनों पक्षों को अपना जवाब जो है आगे का देना है। किसान क्या जवाब देते हैं इस पर निगाहें जरूर टिकी रहेंगी। सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है कि क्या किसान भी इस बैरिकेड के हटने के बाद नेशनल हाईवे 9 या उसके निचले हिस्से से हट पाएंगे या नहीं हटेंगे, और अगर वो दिल्ली की तरफ जाएंगे तो उसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है। और जाहिर है कि अभी गाजीपुर बॉर्डर से आवाजाही बिल्कुल भी आसान नहीं।